दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसी जगह दिखाने वाला हूँ जिसे देख आपका दिल एक ही बात बोलेगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर। तो ये है वो जगह जिसे मैं आपको दिखाने वाला था। तो आप इसे देख सकते हैं कि ये जो शिव जी हैं उनके जटा से गंगा मैया निकल रही हैं, और ये पीछे से व्यू है। मैं आपको ये पूरा जो पर्वत है, पहाड़ है, उसका पूरा व्यू दिखाने वाला हूँ। मैं अभी जैसे ऊपर जा रहा हूँ पहाड़ पे, वहाँ एक गुफा है जो पहाड़ के अंदर अंदर होते हुए जाती है, जो दिख रही है गुफा। और ये गुफा करीबन 20-25 किलोमीटर अंदर पहाड़ से होते हुए कहीं दूसरे, मतलब मेरे यहाँ से जो जहाँ पे लोकेशन है यहाँ से करीबन 30-40 किलोमीटर दूर एक माड़ा नाम का जगह है, जिसे आप कभी पढ़े होंगे जनरल नॉलेज में, माड़ा की गुफा। उस गुफा में ये गुफा मतलब लगी हुई है। इस गुफा में यदि आप इंटर करते तो उस गुफा में पहुँचेंगे। और ये है अदानी की कंपनी, अदानी ग्रुप है, जो थर्मल पावर प्लांट है अदानी का बंधौरा में, जो यहाँ पहाड़ से दिखाई देता है। ये है, अभी आप जो पहाड़ देख रहे हैं ये पहाड़ भारत सरकार के अंतर्गत आता है, एएसआई ने इसे संरक्षित करके रखा है। इस पहाड़ में कुछ समय पहले सर्वे हुआ था। ये जो गुफा दिख रही है, मैं इसी गुफा की बात कर रहा था जिसमें आप अंदर जाएंगे इस गुफा में, तो इस गुफा से होते हुए आप अंदर अंदर माड़ा की गुफा में निकल जाएंगे। ये है हमारे सस्ते शाहरुख खान, देख सकते हैं डुप्लीकेट शाहरुख खान है। तो ये जो बना हुआ है ये बहुत ही पुराना बना हुआ है, पर्वत को मतलब पत्थर को जो क्रॉस करके काट के बनाया गया है। ये जो गुफाएं हैं यहाँ से अंदर जो काली वाली गुफा दिख रही है बड़ी, इसके अंदर घुसेंगे तो पता नहीं कितनी लंबी गहरी गुफा है, सुरंग टाइप की है, पता नहीं चलता है। तो ये एडवेंचर है पहाड़ का, जो यहाँ बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि पूरे पर्वत में पानी है। कुछ लोग बोलते हैं जो सियाने हैं कि यदि आप इस पहाड़ में कहीं घूम जाते हैं और आप प्यासे होते हैं तो आपको जल मिल जाता है। इस पर्वत की बहुत ही मतलब जो सियाने लोग हैं, पुराने ज़माने के लोग हैं, वो लोग बहुत अच्छी चीज़ें बताते हैं हम लोगों को, लेकिन आजकल के लोग भरोसा नहीं करते हैं। बोलते हैं कि इस पहाड़ में बहुत मान्यता वाली चीज़ें हैं, इस पहाड़ के अंदर बहुत सारे सोने चांदी के आभूषण रखे हुए हैं। कुछ समय पहले सर्वे हुआ था जो लोग बता रहे थे, तो इस पहाड़ में कोयला तो है ही है, बहुत ज़्यादा कोयला है, कोयले के साथ साथ सोने चांदी के बर्तन रखे हुए। यहाँ तक कि मेरे नॉलेज से, मैं यहाँ का लोकल हूँ तो मेरे नॉलेज से कुछ दिन पहले करीबन 2014 की बात, 13-14 की बात है, नीचे खुदाई हो रही थी तो वहाँ पे सोने की 2-3 गुल्लियाँ मिली थी। और यहाँ तक कि जो जेसीबी खुदाई कर रही थी वो जेसीबी जल के उसमें पूरा आग लग गया था जेसीबी में। तो ये है पूरा जो मूर्ति बनी हुई है, ये हाथ से बनाई हुई है, देख सकते हैं गंगा मैया उनके जटे से निकल रही हैं। बहुत ही खूबसूरत जगह है, यहाँ बहुत ही शांत लगता है, बहुत ही, कितना भी गर्मी का मौसम हो आप यहाँ आएंगे आपको बहुत ही सुकून महसूस होगा। अभी तो कम भीड़ है, जो मौसम चलता है उसमें, सावन का मौसम है उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ होता है। तो दोस्तों, आपने जैसा कि देखा पूरे एडवेंचर को, तो इसी तरह आप वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।